दिल्ली हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिंसा में हिंदू और मुसलमान सबको नुकसान हुआ है। इस दौरान उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि घायलों पर फरिश्ते योजना लागू होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दंगों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आम आदमी पार्टी का नेता पकड़ा जाता है जो उससे सजा बनती है उसे डबल सजा दी जाए। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशे और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपए प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा खराब हो गई मतलब बर्बाद हो गई तो 25,000 रुपए का मुआवजा, ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपए का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपए किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4 लाख रुपए मकान मालिक को घर जलने के लिए, और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटेंशियल डैमेज है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा, और कॉमर्शियल यूनिट दुकान वगैरह अगर किसी की जल जाती है तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा जो अनइंश्योर्ड है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या सब्सटेंशियल जल गए और उनको इमीडिएट राहत की जरूरत है, क्योंकि ये सब कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिन लोगों को इमीडिएट जरूरत है उन्हें 25,000 रुपए का एक्स ग्रेशिया तुरंत दे दिया जाए। सख्त एक्शन लो उसके, मेरे पास पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो हम भी सख्त एक्शन लेते। मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूँ, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई या बीजेपी का है या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, छोड़ना है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो।